और सरकार बनने के बाद हम इन चीजों पर अंकुश लगाएंगे। हमारा राज बनते ही आप ये देखना, अपराधी तो प्रदेश छोड़ करके भाग गए और नशे का कारोबार पर पूर्ण पाबंदी लग जाएगी। दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम, देश रोजाना यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है, लोकतांत्रिक प्रणाली से चलता है और लोगों के वोट से कोई भी दल सत्ता में आता है। अभी पिछले दिनों इनेलो के सर्वे सर्वा अभय चौटाला जी ने कुछ बहुत ही अच्छी घोषणाएं की हैं जो सर्वत्र स्वागत योग्य हैं। उन्होंने जो कुछ मुख्य मुद्दे उठाए हैं, उनका दावा है कि फरीदाबाद सहित पूरे हरियाणा में अपराध बहुत तेजी से बढ़े हैं, देश प्रदेश में कत्लोगारत बढ़ी है, अपराधी सरे आम लोगों को गोलियों से भूनकर चले जाते हैं, यानी हत्याओं का जो औसत है पिछली सरकारों के मुकाबले इन पिछले 10 सालों में वो तेजी से बढ़ा है। नशे का कारोबार जोरों से हरियाणा में चल रहा है, हालांकि पंजाब उसके लिए बदनाम रहा है। तो अभय चौटाला जी ने एक पत्रकार सम्मेलन में पत्रकारों से बातचीत करते हुए दावा किया है कि इस बार हरियाणा विधानसभा चुनावों में इनेलो की जीत होगी और उनका राज आएगा, इनेलो की सरकार बनेगी और जैसे ही इनेलो की सरकार बनेगी या तो अपराधी हरियाणा को छोड़कर भाग जाएंगे या सरेंडर कर देंगे, उनको जेल भेज दिया जाएगा। और इसके अलावा जो प्रदेश में नशे का जो कारोबार बढ़ा है उस पर सरकार पूरी पाबंदी लगाएगी, क्योंकि इस नशे के कारोबार से हमारा यूथ, हमारे युवाओं का जीवन बेकार हो रहा है और वो नशे की लत में होकर उनका भविष्य भी मटिया मैट हो रहा है। इन सब को देखते हुए इनेलो की सरकार इन सभी सामाजिक बुराइयों पर सख्ती से लगाम लगाएगी। अभय चौटाला जी, आपकी इन घोषणाओं का सबको स्वागत करना चाहिए, हम भी करते हैं। और सरकार बनने के बाद हम इन चीजों पर अंकुश लगाएंगे। हमारा राज बनते ही आप ये देखना, अपराधी तो प्रदेश छोड़ करके भाग गए और नशे का कारोबार पर पूर्ण पाबंदी लग जाएगी। हरियाणा की बात कोई नशा बेचने वाला मिलेगा नहीं, आप दिखेगा नहीं प्रदेश में। अपराधी जो है या सरेंडर कर जाएंगे हरियाणा छोड़ करके भाग जाएंगे, कहीं दूसरी हरियाणा की तरफ वो नहीं चलेंगे। लेकिन सवाल पैदा होता असली कि आप जो दावा कर रहे हैं कि आने वाली सरकार इनेलो की होगी, लेकिन ये तो बताइए कि आपकी पार्टी सत्ता में आएगी कैसे, उसका आधार तो बताइए। आपकी पार्टी इनेलो जो किसी समय में हरियाणा में एक छत्र राज्य रहा था इनेलो परिवार का, आज उस इनेलो परिवार की, ताऊ देवीलाल के परिवार की, ताऊ चौधरी ओम प्रकाश चौटाले के परिवार की स्थिति ये है कि दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा। यही नहीं पता कि ताऊ देवीलाल परिवार के सदस्य, ताऊ ओम प्रकाश चौटाला परिवार के सदस्य कौन किस पार्टी में हैं, कितने दलों में बिखर गए हैं। जब वो एक परिवार को एक नहीं कर पा रहे हैं, परिवार को साथ लेके नहीं चल पा रहे हैं, तो पूरा प्रदेश उनके साथ क्यों चलेगा? ये सवाल प्रदेश की जनता उनसे पूछ रही है।
हाँ, एक और मुद्दा जो अजय चौटाला ने एक प्रस्ताव रखा अभय चौटाला जी के सामने कि यदि हमारे पिताश्री चौधरी ओम प्रकाश चौटाला आदेश करें तो हम पुणे इनेलो में मिलने के लिए तैयार हैं और परिवार की राजनीतिक शक्ति बढ़ाने के लिए तैयार हैं, बशर्ते कि सम्मानजनक तरीके से जजपा का इनेलो में विलय हो और उसका रास्ता चौधरी ओम प्रकाश चौटाला निकालें। लेकिन दोस्तों, अभय चौटाला इस पक्ष में बिल्कुल नजर नहीं आ रहे हैं, जबकि अजय चौटाला ने कहा है कि आप दूसरी बाहर की पार्टियों से, चाहे बसपा है चाहे और छोटे मोटे दल हैं, उनका तो साथ लेने को मजबूर हो अपनी राजनीतिक सत्ता मजबूत करने के लिए, लेकिन अपने परिवार को इकट्ठा करने के लिए, परिवार की राजनीतिक सत्ता को पुनः मजबूत करने के लिए और इन्हें लोगों को अपने दम पर सत्ता में लाने के लिए आप तैयार नहीं हैं। और जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे, जब तक परिवार को इकट्ठा नहीं करेंगे, तब तक इनेलो के लिए हरियाणा में सत्ता में लौटना एक सपने के समान है। इस सपने का पूरा होना लगभग असंभव है जब तक कि अभय चौटाला अपना बड़ा दिल करके और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की बात को मानकर पूरे परिवार को, पूरे कुनवे को राजनीतिक तौर पर इनेलो के झंडे के नीचे नहीं ले आते। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का मुद्दा कि बिना परिवार में एक आके क्या अभय चौटाला इनेलो को एक ऐसी बड़ी राजनीतिक शक्ति नए सिरे से बनाने में कामयाब हो जाएंगे कि इनेलो सत्ता में लौट आए, जबकि ये भी एक अटल सत्य है कि आज जाटों को भी इनेलो और अभय चौटाला पर या अजय चौटाला पर भरोसा नहीं है कि ये सत्ता में लौट सकते हैं। इसीलिए हरियाणा का जाट समाज भी, जो इनकी रीढ़ की हड्डी होता था इनेलो की या चौटाला जी की या ताऊ देवीलाल की, आज वो भी पूरी तरीके से ना सही लेकिन बड़ी तादाद में, इस वजह से कि चौटाला परिवार अब सत्ता में नहीं लौट पाएगा, इन्हें लोग सत्ता में लौट नहीं पाएगा, वो भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा यानी कांग्रेस के पूर्व सीएम के साथ लगभग चला गया है, क्योंकि उनको अब बिखरते चौटाला परिवार पर विश्वास नहीं रहा। तो दोस्तों, अब आपने ये सोचना है कि वाकई में जो हम कह रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है। क्या चौटाला परिवार को, ताऊ देवीलाल परिवार को एक होना चाहिए? क्या बिना एक हुए, एक झंडे के तले आए बिना, क्या चौटाला परिवार या अभय चौटाला अकेले अपने दम पर सत्ता में लौट सकते हैं, या बसपा के दम पर या छोटे मोटे दलों के दम पर क्या वो सत्ता में लौट सकते हैं? ये सोचने की बात है। आप अपने विचार हमें बता सकते हैं कि हम कितना गलत बोल रहे हैं या कितने सही हैं। आप हमें रेगुलर नियमित रूप से अपने विचारों से अवगत कराते रहें। देखते रहें देश रोजाना। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल, सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।